सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी के बारे में। ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है क्योंकि इंडियन नेवी वर्ल्ड की 7th स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी है, तो इतना तो बनता है। तो अब हम इस वीडियो में पूरा जानेंगे कि इंडियन नेवी का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या रैंक स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन से वेसल्स होते हैं इसमें, कौन कौन सी मिसाइलें यूज होती हैं, सब कुछ जानेंगे। इफ़ यू टॉक अबाउट इंडियन नेवी हिस्ट्री, वी कैन स्टार्ट विद द 9th सेंचुरी व्हेन चोलास एम्पायर वॉज एट ग्रेट पावर एंड देवर नोन फॉर देयर पावरफुल नेवी अंडर किंग राजा राजा वन। तब वहाँ पे दो और तमिल डायनेस्टी थी, पांड्याज और चेराज, जिनका अलायंस था श्रीलंकन किंगडम के साथ। तो राजा राजा वन ने उनको भी हराया था। उसके बाद राजा राजा ने अपनी एम्पायर को एक्सपेंड किया साउथ ईस्ट एशिया में। जब अब हम आते हैं 17th सेंचुरी में, जो महाराजा छत्रपति शिवाजी के टाइम पीरियड की बात है, और शिवाजी महाराज हमारे इंडियन नेवी के फादर भी माने जाते हैं। फिर ब्रिटिश रूल में इंडियन नेवी को कहा जाता था रॉयल इंडियन नेवी आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड व्हेन इंडिया बिकम अ रिपब्लिक स्टेट ऑन 26 जनवरी 1950 द रॉयल इंडियन नेवी इज कॉल्ड इंडियन नेवी। जैसे कि हम जानते हैं कि हर 4th दिसंबर को हम नेवी डे बनाते हैं, लेकिन नेवी डे हम क्यों बनाते हैं बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। ये बात है 1971 की वॉर, जब हमने बांग्लादेश को आजाद कराया था पाकिस्तान से, या ये कह सकते हैं कि हमने ईस्ट पाकिस्तान को फ्री कराया था वेस्ट पाकिस्तान से। उस टाइम पे इंडियन नेवी हैव रन ऑपरेशन कॉल्ड ऑपरेशन ट्रीडेंट। अकॉर्डिंग टू दैट ऑपरेशन, 3 शिप्स ऑफ इंडियन नेवी, INS निपत, INS निर्घात एंड INS वीर, वर सेंट ऑफ टूवर्ड्स पाकिस्तान कराची पोर्ट। और उधर जाके उन्होंने क्या किया, पूरे कराची पोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान ना कोई सप्लाई भेज पाया और ना ही कोई मैन पावर जो लड़ पाए ईस्ट पाकिस्तान में, जिसकी वजह से वो ये वॉर हार गए थे। और इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए इंडियन नेवी हमेशा 4 दिसंबर को नेवी डे मनाती है। अब हम बात करेंगे इंडियन नेवी के मोटो और ऑब्जेक्टिव के बारे में। इंडियन नेवी का जो मोटो है, जो संस्कृत में उसको कहते हैं शानो वरुणा, एंड इन इंग्लिश मे द लॉर्ड ऑफ ओशन बी ऑस्पिशियस अन टू अस। तो अब हम बात करते हैं इंडियन नेवी के फंक्शंस के बारे में, लेकिन उससे पहले लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं बिटवीन इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। तो जो नेवी है, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन, पायरेट अटैक्स, इट कंडक्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, गुडविल विजिट टू डिफरेंट कंट्रीज, वेयर एज द मेन फंक्शन ऑफ कोस्ट गार्ड इज टू लॉ इन्फोर्समेंट, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन इन द सी। द एरिया इज लिमिटेड फॉर द कोस्ट गार्ड अप टू 10-30 नॉटिकल माइल्स, एंड फॉर इंडियन नेवी इट्स एरिया इज लिमिटेड टू द 200 नॉटिकल माइल्स। अब बात करते हैं कुछ इंडियन नेवी के ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस के बारे में। इसमें आता है ऑपरेशन मदद, ऑपरेशन सी वेव्स अंडेमान एंड निकोबार, ऑपरेशन कैक्टस जो कि मालदीव से हुआ था। ऑपरेशन कैक्टस में हुआ क्या था कि एक श्रीलंकन मिलिटेंट ग्रुप जाता है और मालदीव्स के कैपिटल मेल में जाके अटैक करता है और कुछ की एरियाज को कैप्चर कर लेता है। जो प्रेजेंट होता है अब्दुल गयूम, वो हेल्प मांगता है इंडिया, पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट, ब्रिटेन, मलेशिया, श्रीलंका, लेकिन उसमें इंडिया कूदता है हेल्प करने के लिए और इस मिशन को सक्सेसफुली टैकल करता है। इसमें इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया था। फिर आता है ऑपरेशन रेनबो जो कि श्रीलंका में हुआ था। फिर उसके बाद ऑपरेशन गंभीर, इंडोनेशिया सुनामी, इट वॉज द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट फोर्स मोबिलाइजेशन मिशन। सो अब हम बात करेंगे इंडियन नेवी के रैंक स्ट्रक्चर के बारे में। And we will start from the top. The topmost rank is Admiral of the Fleet, then Admiral, and currently the Chief of Indian Navy is Admiral Karamveer Singh, then Vice Admiral, who is Mr. G. Ashok Kumar, then it's Rear Admiral, then it's Commodore, Captain, Commander, Lieutenant Commander, Lieutenant, Sub-Lieutenant. We will start with the JCO rank. The topmost rank is Master Chief, and below that is PT Officer Class 1, PT Officer Class 2, and there are other ranks including Leading Seaman Class 1 and Seaman Class 2. And Indian Navy also participate in certain naval exercises including Indra, India and Russia, Malabar, India, USA and Japan, Sinlex, Sri Lanka and India, Varuna, India and France, Milan, it is multilateral military exercise, Simbex, India and Singapore naval exercise. Now we'll see the commands. There are 3 commands in Indian Navy: Western Command, Eastern Command and Southern Command. In Andaman and Nicobar, Tri-Service Command is also there, which is called INS Kohasa. बात करेंगे इंडियन नेवी के वेसल्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है INS विक्रम आदित्य, जो कि एक बिगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। इफ़ वी टॉक अबाउट फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर, इट वॉज INS विक्रांत,
and I have already made a video. You can click the I button to watch it. After that, we purchased one more aircraft carrier, INS Virat, and we also have a video related to that, and you can see that video by clicking the I button. Now we will talk about destroyer. And currently India have 10 destroyers under 3 classes: Kolkata class, INS Delhi, INS Rajput. These all are guided missile destroyers. Then it comes frigate. India currently have 13 frigate under certain classes: INS Shivalik class, INS Talwar, INS Brahmaputra, INS Godavari class. Now people always have a doubt about destroyers and frigate. So basically the destroyers are large in size, can carry more weapon, high speed, and have more powerful radar with air support and air cover and air defense systems. Whereas frigate is smaller than destroyer and it's maintain sea line of control, and it, the main function is escort the defense. And world's fastest frigate is INS Shivalik, 52 knots. Indian submarines aati hai nuclear power mein. This mein aati hai Chakra classes, jo ki ek attack submarine hai. फिर अरिहंत क्लासेस जो कि इंडिया की फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन थी. उसके बाद आती है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स. इसमें तीन क्लासेस होती हैं: कावेरी क्लासेस जो कि एक अटैक सबमरीन है, सिंधु घोष क्लासेस अटैक सबमरीन्स है, इसके बाद आता है शिशुमर क्लासेस अटैक सबमरीन. अभी इंडियन नेवी का एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है, प्रोजेक्ट 75 के अंडर हम स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन लेने वाले हैं. कलवेरी, कंदेरी, करंज और वेला कमीशन हो चुकी हैं और बाकी दो और आनी हैं जिनका नाम है वगीर एंड वगशीर. इंडियन नेवी के पास एक एम्बिगुअस ट्रांसपोर्ट डॉग भी है जिसका नाम है INS जलवासा और इसका होम बेस विशाखापट्टनम है. इसके अलावा इंडियन नेवी के पास 22 कॉर्वेट शिप्स भी हैं. ये कॉर्वेट शिप्स स्मॉल शिप्स होती हैं, ये बैटल शिप्स होती हैं, ये सबसे आगे तैनात होती हैं. ये अपनी स्पीड के लिए जानी जाती है, ये छोटे मोटे वॉर के लिए सबसे आगे तैनात की जाती हैं, जैसे कि INS तीर, INS वीर. इसके अलावा इंडियन नेवी के पास 4 फ्लीट टैंकर्स हैं, उनमें से INS आदित्य, INS दीपक एंड INS ज्योति. और इंडियन नेवी के पास 8 शिप टैंक भी हैं जिसके जो कि यूज़ होती हैं. मान लो कि हम कहीं वॉर पे जाते हैं तो हमें टैंक की ज़रूरत पड़े तो वो टैंक इस शिप में लोड किए जाते हैं. ये 2 क्लासेस में आती है, शार्दुल क्लासेस और कुंबीर क्लासेस में. करंटली इंडियन नेवी जो एयरक्राफ्ट यूज़ करती है उसमें फाइटर जो है वो है MiG-29 और बहुत ही जल्द तेजस भी आ जाएगा. एंड देर आर सम हेलीकॉप्टर्स ऑल्सो, HAL ध्रुव, कुमोव का 27, कुमोव 31, सी किंग एंड HAL चेतक. इसके अलावा इंडियन नेवी के पास कमांडो यूनिट भी है जिसका नाम है मार्कोस. जिस 2 फेमस ऑपरेशन है 2611 और ऑपरेशन कैक्टस मालदीव्स वाला. तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही. ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.